आज हम चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स का टॉपिक पर हैं, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल है द होल कम्युनिकेशन प्रोसेसेस कैरी आउट इन डिफरेंट लेयर। इसमें क्या होता है, पूरा जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, मैसेज सेंड करने से मैसेज रिसीव करने तक, उस सारे प्रोसेस को लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर लेयर को डिफरेंट स्पेसिफिक काम दे दिया कि इस लेयर ने ये काम करना है, इसने ये। ठीक है, द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरी आउट बाई डिफरेंट लेयर, वे ईच लेयर परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। क्या क्या, हर कम्युनिकेशन प्रोसेस में हर लेयर को एक काम दे दिया गया। ठीक है, द इंटरनेट इज ऑल्सो यूज अ लेयर ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें इंटरनेट भी यूज होता है। और इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। The TCP and IP is a suite of protocol that provide end-to-end connectivity between the devices. TCP और IP protocol क्या है, ये provide करता है वो services जो connection के लिए use होती हैं। It consists of 5 layers, इनको 5 layers में divide कर दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास application layer। इस concept को पूरा explain करने के लिए example दी हुई है, वो पहले देख लेते हैं। The concept of layering can be explained with a post office example. Suppose you are in Lahore and want to write a letter to your friend in Islamabad. आप लाहौर में और आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना चाहते हैं जो कि इस्लामाबाद में। After writing this letter, you insert it in the envelope. लेटर लिखने के बाद आप उसे एक envelope में डालेंगे और उस envelope के बाहर आप अपना एड्रेस लिखेंगे और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे ताकि वो उस फ्रेंड को डिलीवर हो सके। ठीक है, Write address to your friend and drop it on the mailbox. As there may be many people living in the same address, so you may write the name of your friend on the envelope. अगर एक ही घर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो आपको एड्रेस के साथ अपने फ्रेंड का नाम भी मैंशन करना होगा ताकि ये पता चल सके कि ये लेटर किसके लिए है। Your nearest post office tasks the letter of general post office in Lahore, which send the same of general postal office in Islamabad. आप एक post office में send mail box में आप drop करेंगे letter, वहाँ से वो Islamabad के post office तक आपका letter transfer होगा और जहाँ उसके बाद वो उस destination तक पहुँचेगा, जहाँ उस address तक पहुँचेगा जहाँ आपने उसे पहुँचाना है। Then he or she can read and write the letter and reply. फिर क्या होगा, वो आपका लेटर पढ़ेगा, मैसेज पढ़ेगा और उसका रिप्लाई देगा। अब यही जब हम लोग ऑनलाइन आ जाते हैं, जब हम प्रोटोकॉल से पढ़ते हैं तो उसको लेयरिंग में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है सर्विसेज यूजर को। ठीक है, व्हाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अदर अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। आप चैटिंग कर रहे होते हैं, आप सिर्फ कंसर्न होता है मैसेज से रिलेटेड, चाहे आप वायरलेस डिवाइस के थ्रू चैट करें चाहे वायर्ड के थ्रू चैट करें। इसको आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन लेयर में प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज यूजर्स को, वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड टू द नेटवर्क। यहाँ साथ साथ उन्होंने इनवेलप वाले जो एग्जाम्पल है वो भी दिख हुई है। इन राइटिंग अ लेटर यू कंसर्न अबाउट राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्न अबाउट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु विल हैंडल। जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आप सिर्फ लेटर लिखने में फोकस करने देते हैं कि आपने उसमें क्या बात लिखनी है, उस पर आप कंसर्न ज़्यादा होता है, ना कि इस पे कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा होगा या उसका स्टाफ कौन सा होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट लेयर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का पर्पस है, ये आपको मैसेज डिलीवरी का प्रोसेस बनाती है, यानी कि इट प्रोवाइड रिलेबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एक कनेक्शन बनाता है किसमें, दरमियान क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। इट ट्राई टू सेंड मैसेज बट इफ देयर इज सम एरर, अगर कोई एरर आ जाता है, अब मैसेज सेंड करने में कोई एरर आ जाता है तो वो इन्फॉर्म करता है उस सर्वर को जहाँ से आपका मैसेज सेंड हो रहा होता है। ठीक है, देन इट इन्फॉर्म द एप्लीकेशन प्रोग्राम इफ द नेटवर्क इज फाइन, अगर नेटवर्क ठीक है, सही चल रहा है, कोई एरर नहीं है, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट मैसेज विल बी रीच एट द डेस्टिनेशन। क्या होगा, अगर तो आप बिल्कुल ठीक है आपका मैसेज, तो वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल जाएगा। और इस स्टेज में एक पोर्ट नंबर भी डाला जाता है। पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करता है एप्लीकेशन को
कि अगर आप जिस स्पेसिफिक पर्सन तक जो आपने मेंशन की है अपने इनवेलप पे, उसने मैसेज पढ़ लिया है या उसने इनवेलप ओपन करके रीड कर लिया है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है, मूव करता है आपके लेटर को सोर्स प्रोसेस से डेस्टिनेशन प्रोसेस तक। अ लेटर इज मूव टू अदर सिटी, यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद, ठीक है। अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डाटा ऑन द अदर लेयर, एक एक लेयर से दूसरी लेयर तक डाटा ट्रांसफर करता है। सो आर चैट मैसेजेस ट्रांसफर टू अदर वाईफाई रूटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर डिलीवर। आपका इन डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। नेक्स्ट ये बताया हुआ है ऑल मैसेज इन द सेम वे, आइदर इफ ईमेल, पिक्चर, वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करता है, ये एरर फ्री ट्रांसफर फ्रेम डाटा होता है, यानी कि ये यूज होता है कि आपको डाटा जो आप ट्रांसफर करें उसमें किसी भी तरह का कोई एरर ना हो। सेंड मैसेज टू द सर्वर कनेक्ट विद द सेंटर, क्या मैसेज सेंड करी है सर्वर, सेंडर को, सर्वर ने क्या किया, मैसेज सेंड कर दिया जो कनेक्ट था किसके साथ, सर्वर के साथ। If you are chatting at home with the Wi-Fi, एक शहर से दूसरे शहर कर रहे हैं ना, तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक जाएगा, तो आपस में जो कनेक्शन है वो है डाटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर है ये एक फिजिकल मीडियम है जो ट्रांसफर करता है मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। फिजिकल लेयर इज अबाउट फिजिकल मीडियम लाइक केबलिंग, राउटर, वाईफाई, ठीक है। इसलिए एड सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन लाइक हेडर विद data received from the layer above it. आपके आपका जो data वो आपने जो लिख दिया वो है, लेकिन जो main purpose है वो है source से destination, यानी कि server से client तक या client से server तक transfer करना। उसके लिए layering protocol, उसके लिए layering बनाई गई है और हर layer को एक specific काम दे दिया गया है। The actual content of a message का payload, सारा आपने प्रोसेस देखा, इसमें क्या बात हो रही है, डाटा ट्रांसफरिंग की बात हो रही है। जो एक्चुअल में उसके अंदर कंटेंट है वो कोई नहीं देख रहा, जो एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ मैसेज को पेलोड कहते हैं, ठीक है। और वो एरर फ्री होता है जिस डाटा लिंक लेयर में। इज हिडन इनसाइड द हेडर ऑफ ईच लेयर लाइक अ लेटर इज हिडन इनसाइड एन एनवेलप एंड दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। आप जब कोई भी पोस्ट ऑफिस से लेटर ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो आप ऊपर इनवेलप पे जो नेम, एड्रेस और सिटी का नेम मेंशन होता है वो सब देख सकते हैं, लेकिन अंदर जो अपने इंफॉर्मेशन है, आपका जो मैसेज है, वो हाइड होता है सबसे। और इसको क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं।